Don't show me attitude, because I have that of my own. The artist attitude. Art and artist. Beauty the muse. Designers, thin. Sing, play, bag, and steal. Oh, yeah. Assalamualaikum viewers, the artist's attitude. Yes, the same program jiska agenda hai Pakistan ke art aur artists ka maximum possible exposure. Is program mein hum aapko up to date karenge regarding major fields of art. Viewers, art aur artists to har daur mein hote hain. मगर हर दौर के आर्ट और आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए ज़रूरी है कि आर्ट इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होने के साथ साथ प्योर और ओरिजिनल भी हो. आर्ट को कॉपी करना या किसी आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को मैलिग्नेट करना ना सिर्फ आर्टिस्ट की क्रेडिबिलिटी बल्कि आर्ट के साथ भी स्वेयर चीटिंग है. वी हेयर एज द आर्टिस्ट एटीट्यूड हेल ऑल द ओरिजिनल आर्टिस्ट. एरिका आर्ट्स एकेडमी ने रिसेंटली अपना एनुअल एग्जीबिशन अरेंज किया. एरिका एकेडमी अपने क्वालिटेटिव स्टूडेंट आउटपुट के लिए नोन है. इसके स्टूडेंट्स का आर्टवर्क हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक इंसाइट लिए होता है. हमने इस एग्जीबिशन की कवरेज की जिसमें आपको स्मॉल डेकोरेटिव आइटम से लेकर ह्यूज पेंटिंग्स तक में इन यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट का आर्टवर्क बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन लिए हुए नजर आएगा. लेट्स वॉच इट. इस एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट थे चौधरी शफकात अहमद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर. हमने ऑयल पेंटिंग, फ्लावर अरेंजमेंट्स, स्टेंड ग्लास, कैंडल मेकिंग और ऑल मीडियम्स ऑफ फाइन आर्ट्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो एकेडमी के स्टूडेंट्स ही अपनी अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं. एग्जीबिशन का डिस्टिंग्विशिंग फीचर पेंटिंग्स के अलावा हैंडमेड आइटम्स का डिस्प्ले भी था.
एग्जिबिशन को सोशल सर्कल की ह्यूज मेजॉरिटी के अलावा न्यूमरस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने भी अटेंड किया। आज के एग्जीबिशन में मैंने लैंडस्केप्स के साथ पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मेरा मीडियम है ऑयल, और ऑयल पेंटिंग्स को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आई हैव चोजन पेन एंड इंक एज माई मेन मीडियम टू इन्हांस डिफरेंट आर्किटेक्चुरल बिल्डिंग्स ऑफ लाहौर। दिस टाइम आई हैव वर्कड ऑन आर्टिफिशियल एंड ड्राई अरेंजमेंट फ्लावर्स। गेस्ट ने इन अपकमिंग आर्टिस्ट की प्रॉमिसिंग स्किल्स को बहुत अप्रिशिएट किया। दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट आर्टिस्ट एटीट्यूड। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्यूटी बिम्यूज्ड हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम आपको दिखाते हैं पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे ब्यूटी आर्टिस्ट की वो अमेजिंग स्किल्स जहां विद इन फ्यू मिनट्स एंटायरली न्यू लुक और फ्रेश अपीयरेंस आती है। लेट्स विजिट मिमी और देखते हैं लवली पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और मेकओवर, जो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंस लिफ्टिंग के साथ साथ देगा एक ब्रांड न्यू एटीट्यूड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरा एंड आई वेलकम यू एट मिमी। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, मगर इसको एनहेंस करते हैं हमारे ब्यूटिशियंस और मेकअप आर्टिस्ट। हर आर्टिस्ट की तरह ब्यूटिशियन की भी ये डिज़ायर होती है कि वो कोई यूनिक और डिफरेंट ब्यूटी लुक क्रिएट करें। तो आज की हमारी ब्यूटी लुक है नाइट पार्टी मेकओवर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी आज की मॉडल ऑयली टी जोन के साथ बहुत ब्राइट स्किन रखती हैं और इनके बाल बहुत स्ट्रेट हैं। हम इन्हें नाइट पार्टी मेकओवर देंगे, जिसके बाद आप देखेंगे कि एक मेकअप आर्टिस्ट की स्किल्स के साथ इनमें एक वाजिया चेंज आपको नज़र आएगा। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे और उसके बाद टी जोन एरिया को बैलेंस करने के लिए टोनर की मदद लेंगे।
custom professional base with yellow shiner use करेंगे। आई मेकअप बेस के बाद हम इन्हें ऑरेंज और ब्लैक कलर में शेडोज देंगे। इनके ड्रेस से रिलेटेड हम इन्हें ऑरेंज कलर में ब्लश ऑन अप्लाई करेंगे। इनका मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनके स्ट्रेट बालों को एक नया लुक देने के लिए रोलर सेटिंग करेंगे। सो व्यूअर्स, हमारा नाइट पार्टी मेकओवर कंप्लीट हो चुका है और आप देखेंगे कि हमारी मॉडल की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। डिजाइनिंग इज अ डेलिकेट फॉर्म ऑफ आर्ट। डिजाइनर सिग्नेचर स्टाइल डिजाइनिंग का एक चीफ इंग्रेडिएंट होता है। हमारा सेगमेंट डिजाइनर टेन का फर्स्ट मंथ हमने डेडिकेट किया है टू ट्रेंडी ब्राइडल एंड फॉर्मल डिजाइनर सिस्टर्स फ्रॉम लाहौर, निकी एंड नीना को। ये स्टाइल अवार्ड्स की नॉमिनीज भी हैं और हम आपको ये बताते चलें कि अपने पिछले प्रोग्राम में हमने इनसे आपको इंट्रोड्यूस भी करवाया और इनके लेबल से भी, और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे इनकी एलिगेंट फॉर्मल ट्यूलिप कलेक्शन। In the meanwhile, मैं आपको ये भी बताती चलूं that I'm also using Nikki and Nina's wardrobe and I hope you will too. Assalamualaikum, मैं हूँ नीना और ये है निकी, और आज हम आपको निकी नीना के कुछ आउटफिट्स दिखाएंगे जो हमारी ट्यूलिप कलेक्शन में से हैं। में जो कट्स हैं उन पे ख़ास तवज्जो दी गई है। इसमें हमने शिफॉन, जामावार, सिल्क, लेस, इन सब चीज़ों को कंबाइन किया है, और इस पे जो काम किया गया है उसमें स्वर्स की क्रिस्टल, पर्ल्स और सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया। पिंक के शेड इस्तेमाल किए गए हैं, डिफरेंट पिंक्स हैं,
जिनमें से हर शेड को हमने बहुत रिसर्च के बाद बहुत टाइम लगा के अलग अलग डेवलप किया है. और अगर हॉट पिंक भी है तो उसका वो एक म्यूटेड सा हॉट पिंक है, बहुत शोख नहीं है. और जो बेबी पिंक है उसमें एक देयर इज अ लिटिल ब्राइटनेस टू इट. कलेक्शन में शर्ट्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल हैं और उसके साथ उनको बहुत खूबसूरती से हमने फ्लोई लहंगों के साथ कंबाइन किया है. लहंगों के कट्स पे ख़ास तवज्जो दी गई है और उनको स्लीक लुक के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया. इनकी जो ख़ासियत है इस पूरी कलेक्शन की वो ये है कि कट्स जो हैं वो स्लीक हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत फ्लोई फैब्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं जिससे एक आप फ्लो भी है लेकिन साथ साथ वो स्लीक भी. आई होप आपको हमारी ये कलेक्शन पसंद आई और अगली दफ़ा हम आपको फिर मिलेंगे अपनी एक नई बहुत एक्साइटिंग कलेक्शन के साथ. Watching the artist's attitude. Milte hain break ke baad, but keep watching this program. Music, the food for soul. Sing, play, bang, and feel it. Towards the end, हमारे पास है the latest music video by Rage, Deewana, जो surely इनके style और इनके attitude में एक exclusive edition है. So let's enjoy it together. जाने ये जमाना क्यों ना जाने मेरा यार. गाऊं मैं गाऊं तुम गाए ये जमाना हो गया है मुझे प्यार. दीवाना 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 चाहे बस तुम्हें जाने
all for this time. मगर जाने से पहले हमारा पोस्टल एड्रेस नोट कर लीजिए. इट्स डायरेक्टर्स प्रोग्राम, द आर्टिस्ट एटीट्यूड, पीओ बॉक्स 444, लाहौर, पाकिस्तान. जाने से पहले एक छोटी सी बात, आर्टिस्ट की कदर कीजिए, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही हसास तबका है. इनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर आर्टिस्ट हैं तो आर्ट है, आर्ट है तो ब्यूटी है, और खूबसूरती किसे अच्छी नहीं लगती. इसी मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.